आईपीएस ऑफिसर सुमेर देशमुख ने जब राघव को बताया कि मानसी ने उस पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ देर पहले राघव सिंघानिया रूहान के घर रूहान से मिलने गया था, लेकिन रूहान के घर पर किसी के न होने का उसने फायदा उठाया और उसके साथ जबरदस्ती करके उसकी कुछ तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी। इस बात पर राघव सिंघानिया जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, वाह इंस्पेक्टर देशमुख, गजब के आईपीएस ऑफिसर हैं आप। एक लड़की ने आपसे कुछ भी झूठ बोला और उस लड़की की बात मानकर आप बिना किसी सबूत के इतनी रात को किसी के घर पर आ धमके। वैसे आपको तो पता है ना कि बिना किसी सबूत के आप रात को किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। राघव की बात पर ऑफिसर सुमेर देशमुख ने जवाब देते हुए कहा, आपको क्या लगता है मिस्टर राघव सिंघानिया, मैं बिना किसी वारंट के आपके घर आ गया। मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ और मुझे कानून के बारे में सब पता है। हम बिना किसी वारंट के शाम ढलने के बाद किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसलिए मुझे कानून सिखाने की बजाय आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, वही अच्छा होगा आपके लिए। आईपीएस ऑफिसर सुमेर देशमुख के मुंह से इतना सुनकर राघव सिंघानिया वहां से मुड़कर सामने हॉल में रखे सोफे पर अकड़कर बैठ गया और अपने पैरों को उठाकर मेज पर रखते हुए अपने पैर जोर जोर से हिलाने लगा। राघव की इस बदतमीजी को देखकर इंस्पेक्टर सुमेर देशमुख चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर राघव सिंघानिया, भूलो मत कि तुम इस वक्त एक आईपीएस ऑफिसर के सामने खड़े हो और मैं जबरदस्ती तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालकर घसीटते हुए भी तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जा सकता हूँ। आईपीएस ऑफिसर सुमेर देशमुख के इतना कहते ही राघव ने मुस्कुराते हुए ऑफिसर की तरफ देखा और अपना सीना चौड़ा करते हुए बोला, ठीक है अगर तुम्हें लगता है कि तुम राघव सिंघानिया को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जा सकते हो तो शौक से ले जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ तुम्हारे सामने। आओ मुझे हथकड़ी पहनाओ और घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम ये काम कैसे करते हो। राघव की बात सुनकर आईपीएस सुमेर देशमुख की ईगो हर्ट हो गई कि कैसे एक गुंडा उसके सामने अकड़ दिखा रहा है, इसलिए ऑफिसर देशमुख ने चिल्लाते हुए अपने साथ खड़े कांस्टेबल से कहा, कांस्टेबल रघु जाओ और इस राघव सिंघानिया के हाथों में हथकड़ी डालते हुए उसे घसीटकर पुलिस स्टेशन ले चलो, फिर इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। अपने ऑफिसर का आर्डर मानकर एक कांस्टेबल राघव सिंघानिया के पास आया और राघव के पास खड़ा होकर अपना सर झुकाते हुए बोला, राघव सर प्लीज हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए वरना हमें जबरदस्ती आपको ले जाना पड़ेगा। इतना सुनते ही राघव ने कांस्टेबल रघु की तरफ देखा और सोफे से उठकर रघु के पास आया। राघव ने रघु के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहा, देखो रघु तुम एक बहुत ही ईमानदार कांस्टेबल हो, इसलिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और तुम्हारे साथ भी चलता, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन जाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। राघव की यह बात सुनते ही सुमेर देशमुख ने राघव पर चिल्लाते हुए कहा, पुलिस स्टेशन तुम्हारे बाप का घर नहीं है, जहां तुम्हारा मूड करेगा तो तुम जाओगे, नहीं करेगा तो नहीं जाओगे, पुलिस स्टेशन तो तुम्हें जाना पड़ेगा। राघव सिंघानिया प्यार से या मार से, अब वो तुम पर डिपेंड है कि तुम हमारे साथ प्यार से चलना चाहते हो या फिर हम लोग तुम्हें घसीटते हुए यहां से लेकर जाएं। इतना कहकर आईपीएस देशमुख राघव के पास आया और उसके हाथों में हथकड़ी पहनाने के लिए जैसे ही राघव की तरफ बढ़ा वैसे ही सिया आगे आते हुए राघव के सामने खड़ी हो गई और ऑफिसर देशमुख पर चिल्लाते हुए बोली, नहीं राघव कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है, वो मानसी झूठ बोल रही है, राघव ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, वो तो रूहान के घर सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए गया था। सिया की बातों पर ऑफिसर देशमुख ने कोई ध्यान नहीं दिया और वो सिया की तरफ देखकर उसे वार्निंग देते हुए बोला, देखिए मिसेस सिंघानिया आप बीच में मत आइए वरना कानूनी कार्रवाई में दखल अंदाजी करने के जुर्म में मैं आपको भी गिरफ्तार कर लूंगा। और इतना कहकर ऑफिसर सुमेर देशमुख सिया की तरफ बढ़ने लगा। ऑफिसर सुमेर देशमुख को सिया की तरफ बढ़ते देख राघव ने सिया को अपनी ओर खींचा और उसे अपने और देशमुख के बीच से हटा दिया। फिर राघव ऑफिसर देशमुख की तरफ घूरते हुए चिल्लाकर बोला, तुझे क्या लगता है देशमुख, तेरा जब मन करेगा तब तू राघव सिंघानिया को गिरफ्तार कर लेगा। राघव सिंघानिया कोई मुजरिम या रेपिस्ट नहीं जो तू आएगा अरेस्ट वारंट दिखाएगा और मैं चुपचाप अपने हाथों में हथकड़ी पहनकर तेरे साथ चल दूंगा। पिछली बार भी तूने बिना किसी सबूत के मुझे गिरफ्तार किया और मैं चुपचाप तेरे साथ चल दिया क्योंकि मैंने सोचा कि तू एक बहुत ईमानदार ऑफिसर है, लेकिन तू तो एक नंबर का बेवकूफ और बिकाऊ ऑफिसर है। तेरे जैसा घूसखोर इंस्पेक्टर
मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। आज मुझे गिरफ्तार करने के लिए तुझे मेरे खिलाफ सबूत दिखाना पड़ेगा कि तू जो कह रहा है वो सच है, तभी तू मुझे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा पाएगा। इतना सुनते ही आईपीएस ऑफिसर सुमेर देशमुख ने हंसते हुए राघव से कहा, ओह तो मिस्टर राघव, सिंघानिया को सबूत चाहिए। देख राघव, सिंघानिया तुम्हारे वहां होने का सबसे बड़ा सबूत है। वो लड़की मानसी जो इस वक्त अस्पताल में एडमिट है, और रूहान के घर के सामने का वो सीसीटीवी कैमरा जिसमें साफ दिख रहा है कि तू रूहान अग्रवाल के घर के अंदर गया और लगभग 30 मिनट बाद वहां से लौट कर आया। इसके अलावा तुझे और क्या सबूत चाहिए? और मैं यहां तेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट भी लेकर आया हूं, इसलिए आज मैं तुझे गिरफ्तार करके ही ले जाऊंगा। मैं भी देखता हूं तू कैसे नहीं जाता। इतना सुनते ही राघव ऑफिसर सुमेर देशमुख के बिल्कुल करीब आते हुए दबी आवाज में बोला, तो फिर ठीक है इंस्पेक्टर देशमुख, मैं तुझे 5 मिनट देता हूं अपने आप को गिरफ्तार करके इस घर से बाहर ले जाने के लिए। लेकिन अगर तू इन 5 मिनट में मुझे मेरे घर से बाहर नहीं ले जा सका तो तू खुद चुपचाप यहां से चला जाएगा, वो भी मुझसे बिना कोई सवाल जवाब किए। इंस्पेक्टर सुमेर देशमुख ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए अकड़ के साथ कहा, राघव सिंघानिया तुझे पकड़ने के लिए मुझे 1 मिनट ही काफी है। वैसे भी तू कोई सुपरमैन थोड़े ही ना है जो पलक झपकते ही गायब हो जाएगा और फिर मैं तुझे पकड़ ही नहीं पाऊंगा। इतना कहकर ऑफिसर देशमुख जैसे ही राघव सिंघानिया को अरेस्ट करने के लिए उसके हाथ को पकड़ने लगा, वैसे ही राघव पल भर में वहां से उछलकर सीढ़ियों के पास जा पहुंचा। ऑफिसर देशमुख ने पीछे मुड़कर राघव को सीढ़ियों पर खड़ा देखा तो चौंकते हुए बोला, तुम इतनी जल्दी सीढ़ियों पर कैसे आए? कहीं तुम सच में कोई सुपरमैन तो नहीं? ऑफिसर देशमुख के इतना कहते ही सिया जोर जोर से हंसते हुए बोली, राघव सुपरमैन नहीं बल्कि एक ऐसा नटखट बंदर है जिसे तुम जैसा मदारी कभी नहीं पकड़ सकता। इनफैक्ट पकड़ना तो दूर, उसे छू भी नहीं सकता। और इतना बोलकर सिया जोर जोर से हंसने लगी। सिया को हंसते देख आईपीएस देशमुख ने चिल्लाते हुए कहा, अगर राघव सिंघानिया नटखट बंदर है तो मैं भी जिद्दी मदारी हूँ, उसे पकड़े बिना तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं भी देखता हूं कि कितनी देर तक ये चोर सिपाही का खेल खेलता है। वैसे भी कोई चोर पुलिस के चंगुल से ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। इतना कहकर आईपीएस सुमेर देशमुख राघव की तरफ बढ़ा। जैसे ही आईपीएस देशमुख राघव के पास आया तो राघव पलक झपकते ही सीढ़ियों से कूद कर नीचे उतरा और जमीन पर आ गया। राघव को एक बार फिर अपने हाथ से निकलता देख आईपीएस देशमुख ने एक ही झटके से अपनी कमर पर बंधी हुई पिस्तौल निकाली और राघव पर तानते हुए बोला, तुम एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ ऐसे चोर सिपाही का खेल नहीं खेल सकते। अब बहुत हुआ राघव सिंघानिया, अब जल्दी से हथकड़ी पहनो और चलो यहां से, वरना मैं यही तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा। और इतना कहकर आईपीएस सुमेर देशमुख अपने हाथों में पिस्टल लिए राघव की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन राघव को ना तो उस पिस्तौल का डर था और ना ही आईपीएस ऑफिसर का। इस वक्त उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और स्माइल के साथ राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम उल्टी गिनती शुरू कर दो देशमुख, क्योंकि अभी तुम्हारे पास एक फोन कॉल आएगा जिसके बाद तुम्हारे तेवर पूरी तरह से बदल जाएंगे और तुम बहुत जल्द वापस पुलिस स्टेशन लौट जाओगे, वो भी अकेले बिना राघव सिंघानिया के। क्या ऑफिसर सुमेर देशमुख राघव को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाएगा? क्या राघव अपनी बेगुनाही का सबूत ला पाएगा? आखिर मानसी ने राघव पर इतना घटिया इल्जाम क्यों लगाया था? क्या इन सब के पीछे रूहान का हाथ था? क्या है सच जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम।